हेलो एवरीवन आज हम अपना लेक्चर क्लासिकल एज और अगस्टन एज और एज ऑफ रीजन ये देखेंगे इस एज को क्लासिकल एज और अगस्टन एज और एज ऑफ रीजन क्यों कहा जाता है ये भी हम देखेंगे इस छोटे से अपने लेक्चर में तो चलो शुरू करते हैं द एटीन सेंचुरी इन इंग्लैंड इज कॉल्ड द क्लासिकल एज और द अगस्टन एज इन लिटरेचर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ गुड सेंस और द एज ऑफ रीजन ये चार नाम हैं जी इस एज के इन चार नामों से इस एज को पुकारा जाता है दफ द अगस्टन ऐज द क्लासिकल ऐज द एज ऑफ रीजन द एज ऑफ गुड सेंस दो ड्राइडन बिलोंग टू द सेवनटीन सेंचुरी ही इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द क्लासिकल और अगस्टन एज जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा पोइट है ड्राइडन राइटर जो है वो सेवनटीन सेंचुरी से बिलोंग करता है वो ये कहते हैं कि इस क्लासिकल एज से भी बिलोंग करता है एज ड्यूरिंग हिज टाइम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एज है अदर ग्रेट लिट्रेरी फिगर्स हु दिस एज सक्सेसिवली वर पोप एंड डॉक्टर जॉनसन दिस एज एंड क्लासिकल इज डिवाइडेड इन टू थ्री डिफरेंट पीरियड्स कितने हिस्सों में तीन मुख्तलिफ़ हिस्सों में हम इस एज को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं वो है ऑफ ट्राइडन ऐज ऑफ पोप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन एटीन सेंचुरी लिटरेचर इज कॉल्ड क्लासिकल बिकॉज द लिटरेरी फिगर्स फॉलो द मोड्स ऑफ एनिशेंट राइटर्स जैसे कि अरिस्टोटल हो गया ग्रीक्स के हो गए लेटिन के हो गए उनके मोड्स को इन्होंने फॉलो किया है द सेंचुरी इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीजन और द एज ऑफ गुड सेंस अब देखें जो अठारवी सदी है इसको एज ऑफ रीजन या एज ऑफ गुड सेंस वो क्यों कहा जाता है इसलिए कहा जाता है बिकॉज द पीपल थाट क्योंकि लोगों ने सोचा they could stand on their own legs पर and be guided in the conduct of their affairs by the light of their own reason यानी कि वो अपनी रीजन से सारे मामला को handle कर सकते हैं ठीक हो गया जी उसके बाद है जी as the 18th century is a long period it will be dealt with a, uh, in different chapters the age of pope jaise ki hum pehli baat kar chuke hain the age of johnson's 18th century novel and एटीन सेंचुरी ड्रामा इनको हम फर्दर आ देखेंगे लाफ स्टूडेंट्स